नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती कल्पना कराडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश होने वाली रहती है, उसके पहले क्या क्या होता? बाहर तेज हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है, काले काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं, अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। किंतु बच्चों, आपको मुझे लगता है बारिश का मौसम ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप क्या करते हो, आप हमेशा घर के बाहर निकल के दौड़ते हो, आपको मना करने पर भी आप सुनते नहीं हो। तो ये सब बारिश का मौसम आने के पहले होता, किंतु क्या होता जब बारिश होती, तब क्या क्या होता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हमारी कविता है वर्षा रानी। तो वर्षा रानी हमारी कविता का नाम है। बच्चों, सबसे पहले हम इसका काव्य पाठ करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं इसका काव्य पाठ करूँगी। रिम झिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, झम 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 कर बरसे, चम चम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, झम झम बूंदे बरस रही है, घनघोर घटा मतवाली है, भर गए सारे ताल तलैये, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही, पेड़ खड़े मुस्काते हैं, मैं भी आओ तुम भी आओ, बारिश में खूब ना हो, कागज की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तैराओ। बच्चों, पहला जो पद्यांश हमना रिम झिम बरसा पानी, जब बारिश होने लगती है तो क्या होता, सबसे शुरू में पानी धीरे धीरे पानी बरसता है, तो ऐसा लगता है कि अब बारिश आ गई। किंतु फिर उसी समय क्या होता, बादल आसमान में घनघोर बादल, काले काले बादल छा जाते हैं, और काले काले बादल छाने के बाद में जोर से वर्षा होने लगती है, और उसी बीच में क्या होता है, चमचम बिजली चमक रही है, काले काले बादलों के बीच में बिजली चमकने लगती है, और तेज बारिश होती है जिससे चारों ओर हरियाली छा जाती है। उस समय क्या होता है, जब बारिश होती, भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही, पेड़ खड़े मुस्काते, इसका मतलब है कि जब बारिश होती है तो छोटे मोटे जो ताल तलैया है, ताल तलैया मतलब तालाब, और छोटे मोटे जो गड्ढे डबरे होते हैं, वो सारे पानी से भर जाते हैं, जिसमें मेंढक टरटर की आवाज़ करते, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेंढक खुश होकर के गाना सुना रहे हैं, और मिट्टी में से सुगंध आने लगती है, और पेड़ भी झूमने लगते हैं, वर्षा का आनंद लेकर सभी चीज़ें खुशियां मनाती है। मैं भी आओ तुम भी आओ का मतलब है कि कवि कहते हैं कि अब बारिश शुरू हो गई, तुम भी आओ और मैं भी आते हैं, और बारिश में हम खूब नहाएंगे, उसका मज़ा लेंगे, और कागज़ की नाव बना करके हम पानी में तैराएंगे।